बाइबल कौन कौन पढ़ता है? सारे सभी पढ़ते हैं और यकीनन रेगुलर पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ चीजों का हमें बाइबल पढ़ते हुए ध्यान भी रखना चाहिए और वो बड़ी खास चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। एक टेक्निकल टर्म जो है वो थियोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है बाइबल पढ़ते वक्त, वो उसे कहते हैं हम मेटाफोर्स, मेटाफोर्स या मेटाफोर, ठीक है जी। तो मेटाफोर जो चीज होती है ये ऐसी बात होती है जो कि वो नहीं होती लेकिन वो होती है, तशबीही बात। कलाम में बहुत सी आयात हैं और बहुत से हवाले हैं जो तशबीही हैं, उनमें हम फिगुरेटिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं और लिटरली भी उसको समझते हैं, यानी कि लफ्जी तौर पर भी और अलामती तौर पर उनका मफहूम उनमें पाया जाता है। मसाले कुछ मैं देता हूं कि अलामती तौर पर कि जब हम यूहन्ना की अंजील का 6 बाब और उसकी 35वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो भूखा ना रहेगा। यहां पर एक अलामती बात की गई है, क्या मसीह यीशु रोटी है? नहीं है, मसीह यीशु रोटी नहीं है। यहां पर अलामती बात हुई है जो कि मसीह यीशु के लिए की गई है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, ठीक है। इसी तरह दुनिया का नूर मैं हूं, ठीक है। तो ये अलामती बातें हैं, इनको इसी तरीके से समझना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है, ठीक है। लिखा है कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां हो, यानी कि यहां पर दो अलामतें हैं। उन्होंने अपने लिए भी अलामती तौर पे अपने आप को जाहिर किया और हमें डालियों के तौर पर जाहिर किया उन्होंने, ठीक है जी। तो इसी तरह तुम जमीन के नमक हो, ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज है जिसको हम अलामती जुबानें कहते हैं, यानी फिगुरेटिव लैंग्वेज, ठीक है। बहुत सारी आयात होती हैं बाइबल मुकद्दस में जिनको हम एज इट इज जिस तरह हम पढ़ते हैं उसके वही मीनिंग्स होते हैं। ये तो वो थी जिनको समझना चाहिए, इनकी गहराई में जाना चाहिए कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, तुम जमीन के नमक हो, ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो लिटरली बातें होती हैं उनको हम एज इट इज वैसे ही हमें समझना चाहिए। कुछ मसाले मैं देता हूं, इससे आपको बाइबल पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और समझेंगे आप। मिसाल के तौर पर मत्ती 5:7 आयत, यहां पर लिखा हुआ है और दुआ करते वक्त गैर कौमों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। तो ये बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही आपने समझना है, ठीक है। यहां पर कोई अलामती बात नहीं हो रही, ठीक है, जैसे लिखा है वैसा ही आपने इसके मीनिंग लेने हैं, ठीक है। इसी तरह एक और आयत है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। तो ये सारी लिटरली बातें हैं, लफ्जी बातें हैं जिनको हमें इन आयात को हमें एज इट इज ही लेना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी आयात बाइबल में से आपको मिलेंगी, बहुत सारी आयात बाइबल में से आपको मिलेंगी जो कि लफ्जी भी होंगी जिनमें और अलामती बातें भी होंगी। अलामती और लफ्जी दोनों बातें एक ही आयात में आपको मिलेंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर के मत्ती की इंजील 26:26 में यहां पर लिखा हुआ है कि जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ ये मेरा बदन है, ठीक है जी। अब रोटी को मसीह यीशु जो है वो अपना बदन कह रहे हैं, ठीक है जी। हालांकि वो रोटी है, मसीह का बदन थोड़ी है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये अलामती बात भी हो रही है और फिगुरेटिव और लिटरली दोनों बातें हो रही हैं, ठीक है, इस आयत में। तो इस तरीके से हमें बाइबल को इस तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि नया साल है, नए साल की आमद आमद है। तो हम एक हवाला भी पढ़ते हैं
क्योंकि ये सारी बातें समझाने के बाद एक हवाला भी हम पढ़ेंगे जिसमें लफ्जी और अलामती दोनों बातें इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है जी, लूका 13वां बाप और उसकी 6 से लेकर 9 आयत। यहाँ पर एक दरख्त का वाक्या आपको मिलता है और वो वाक्या क्या है मैं पढ़ता हूँ 6 आयत से लूका 13वें बाप की। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया। अब यहां पर किसी ने कौन है? खुदा। किसी ने कौन है? खुदा। यहां पर अलामती बात हो रही है, मैं पूरा वाला पढ़ता हूं फिर आपको बताऊंगा। किसी ने ताकिस्तान में, ताकिस्तान ताक से है, ठीक है, ताक का मतलब बेल होता है, ठीक है जी। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी रोके हुए है। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी इसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। अब ये जो मिसाल है ना, ठीक है, ये अंजीर के दरख्त की, ये हम सब पर लागू होती है, मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। किसी ने क्या किया? अंजीर का दरख्त लगाया। अब अंजीर का दरख्त कौन है? मैं हूं, आप हैं, ठीक है जी। हमने पूरा साल गुजारा है, ठीक है, खुदा हमें मौका देता है कि शायद हम इस साल पिछले साल से और ज्यादा अच्छा करें, शायद फल ले आए, शायद हम फल ले आए। और बागबान कौन है? मसीह यसु। यहां पर तशबीही बातें हो रही हैं, अलामती बातें हो रही हैं, यानी किसी ने, यानी खुदा ने अंजीर का दरख्त लगाया, यानी हमको, ठीक है। और बागबान कौन है? मसीह यसु, जो कि हमारे गिर्द थाला खोदता है, हमें पवित्र आत्मा अदा करता है ताकि हम रूहानी तौर पर हम आगे बढ़ते हैं। तो जीजो, ये एक, इस जो तमसील है इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा सबक है कि पिछले साल अगर हमने, हम वो फल ले लाए तो इस साल हमारे पास ये मौका है कि हम फल ला सकते हैं। मसीह यसु जो है वो हमारी सिफारिश करता है कि इसको ना काट, इसको और मौका दे ताकि अगले साल हो सकता है ये फल ले आए। हालेलुया। तो क्या आप लोग फल लाना चाहते हैं इस साल? यकीनन। तो इस साल को इस तरीके से आपने गुजारना है कि आपने अपनी जिंदगी में फल लेके आना है। पिछले साल अगर आप उस कमी को पूरा नहीं कर सके तो खुदा ने एक और मौका आपको दिया है, आप उसमें ये सब